everyone, welcome back. So today we are going to start a new chapter, and the chapter name is My Dog Fred. In this poem, this is a short poem, and in this poem a poet is describing his dog whose name is Fred. And this short poem is written by the Ken Nesbitt, who is an American poet and writer born in California. He writes humorous poetry for children. Most of his poems also make fun of school life. So this poem is about, just I mentioned before, this is the poem about the dog. Do you know the dogs have a strong sense of smell? They can smell thousands of times better than human beings. Right? Unki smelling power bahut zyada strong hoti hai. Dogs ki. And most of us like pet dogs. Right? Do you have also pet dog at your home? Wo kya kya activities karta hai? Aap uske saath kaise enjoy karte ho? Do you have a pet dog or a pet cat? Okay, so in this poem also, the poet is describing his dog. Okay, let's start our poem. I have a dog. His name is Fred. He won't play fetch. He won't play dead. मेरे पास एक dog है जिसका नाम है Fred. He won't play fetch. फेच का मीनिंग होता है गो एंड ब्रिंग बैक समथिंग. आप कुछ फेंकते हैं और डॉग को बोलते हैं ना कि उसको लेकर आओ, और डॉग उसको जाके कैच करता है और लेकर आता है. सो ही वोंट प्ले फेच. वो जो चाइल्ड है उसके साथ वो फेच भी नहीं गेम खेलता है. एंड ही वोंट प्ले डेड. अगर जो चाइल्ड है उसको बोलता है कि यू सिट क्वाइटली, आप अपनी आईज क्लोज करो, है ना, तो वो उसके साथ वो गेम भी नहीं खेलता है. ही वोंट प्ले डेड. He won't shake hands or sit or stay or bark or beg or run and play. वो अपनी hands भी shake नहीं करता है, और वो अगर child उसको बोलता है sit तो बैठता भी नहीं है. child उसको अगर बोलता है stay तो वो वैसा भी नहीं करता है. और bark और beg, bark का मतलब होता है भौंकना. dogs क्या करते हैं, bark करते हैं, right? तो वो भौंकता भी नहीं है. और beg यानी वो child से कुछ भी नहीं मांगता. अगर उसको भूख भी लगी है तो भी कुछ नहीं मांगता है. और run and play, अगर child उसको बोलता है go run, तो वो मतलब child जो भी उसको बोलता है वो उसकी बात को नहीं सुनता है. वो action करता ही नहीं है जो चाइल्ड उसको बोलता है. ही वोंट रोल ओवर, शेक और क्रॉल. इनफैक्ट ही वोंट डू ट्रिक्स एट ऑल. तो चाइल्ड बोलता है कि वो अगर उसको बोलते हैं कि रोल ओवर, अपने आप को रोल ओवर करो, बैठ के डॉगीज करते ना अपने आप को रोल करते हैं ग्राउंड पे, वो भी नहीं करता है. शेक्स और क्रॉल, ठीक है, अगर चाइल्ड उसको बोल, जैसे डॉग्स क्रॉल करते हैं ना नीज को नीचे रख के और ऐसे बैठ बैठ के आगे मूव होते हैं, अगर उसको क्रॉल करने के लिए बोला जाए तो वो क्रॉल भी नहीं करता है, वो अपनी बॉडी को शेक नहीं करता है. इनफैक्ट ही वोंट डू ट्रिक्स एट ऑल. और इनफैक्ट वो किसी इस तरह का कोई भी स्किलफुल एक्ट नहीं करता है जिसको देख कर जैसे खुशी होती है, ठीक है, एम्यूजमेंट होता है कि हाँ देखो हमारा पेट डॉग इस तरीके से करता है. तो इस तरह की कोई भी ट्रिक वो नहीं करता है. When folks ask why, I tell them that's because my dog was raised by cats. Fox का मीनिंग होता है फ्रेंड्स. जब उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जो डॉग फ्रेड है वो ऐसा क्यों है, वो बाकी डॉग जैसा क्यों नहीं है, वो क्रॉल क्यों नहीं करता, वो बार्क क्यों नहीं करता, वो तुम्हारे साथ कोई गेम क्यों नहीं खेलता, तो जो चाइल्ड है वो उनको बोलता है वो शायद इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा डॉग कैट्स के साथ बड़ा हुआ है, बचपन से वो उसने ज़्यादा टाइम कैट्स के साथ स्पेंड किया है, इस वजह से मेरा डॉग बाकी डॉग्स की तरह नहीं है. तो इस पोम में चाइल्ड अपने डॉग की कंप्लेन कर रहा है कि वो बाकी डॉग की तरह उसका डॉग नहीं है. आई होप ये पोम सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एवरीवन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.